पेश है हिंदी जबान में अपडेट। आज विक्टिम्स ऑफ द एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। आरएसएस बीजेपी भारत में मुसलमानों तथा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध घृणा के अभियान को एक शस्त्र के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। मोदी शासन निरंतर आरएसएस विचारधारा को भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध प्रयोग कर रहा है। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध घृणा का अभियान खतरनाक सीमा तक बढ़ चुका है। भारत में अल्पसंख्यक एक भय की स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आरएसएस समर्थित मोदी शासन भारत में आतंक की नीति को अल्पसंख्यकों को भयभीत करने के लिए प्रयोग कर रहा है। बीजेपी भारत को अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों से मुक्त करने के अभियान पर है। मोदी तथा उसके पिट्ठू संपूर्ण भारत में हिंदू उच्चता को विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों का नवीनतम उदाहरण मणिपुर में हिंदू अतिवादियों द्वारा दंड के लिए ईसाइयों को चुन चुन कर अलग करने की कार्रवाई है। मणिपुर के हाल के ईसाई विरोधी दंगे इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत की धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति असहनशीलता निरंतर बढ़ रही है। मणिपुर में ईसाई कबीलों की हत्याकांड निरंतर चालू है तथा इस वर्ष मई से अब तक 150 से अधिक व्यक्तियों की हत्या तथा 300 से अधिक गिरजाघरों को नष्ट किया जा चुका है। भारत में ईसाई तथा मुसलमान तथा अन्य अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्थानों को हिंदुत्व बलों द्वारा बहुत ढिठाई के साथ नष्ट किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत में हिंदू फासिस्टवाद का नोटिस लेना चाहिए। हिंदुत्व बल धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों का व्यवहार करते हैं। मोदी की फासिस्टवादी विचारधारा दक्षिण एशिया में शांति तथा स्थायित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में जब विश्व धर्म तथा विश्वासों पर आधारित हिंसा के त्रस्तों के प्रति एकता का दिवस मना रहा है, उसे भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी काम करना चाहिए।